चैप्टर देखेंगे मोर इश्यूज इन इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कशन इसका कर चुके हैं, जैसे कंसोल इनपुट आउटपुट है, फाइल इनपुट आउटपुट है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें इसमें हैं जो हम और आज जानेंगे, ताकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को देखें कि आप और कैसे एलिगेंट बनाएंगे। argc argv, आर्गुमेंट काउंट और आर्गुमेंट वेरिएबल। होता क्या है कि जैसे कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, पहले आप उसको टाइप करते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम कैसे और अच्छा बनाएं? पहली चीज तो ये है कि बार बार कंपाइल क्यों करें हम प्रोग्राम को। एक बार हमने कंपाइल करके जब उसकी exe बना ली, तो डायरेक्ट हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे डॉस वगैरह देते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका हो उसमें आपको कमांड लाइन प्रॉम्प्ट मिलता है, तो वहां पर आप इसे रन करा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप यूजर को बोले कि भाई सोर्स टारगेट फाइल नेम ये प्रोग्राम के अंदर दे। इससे अच्छा आप क्यों ना प्रोग्राम इस तरीके से बनाए कि यूजर कोई भी फाइल नेम दे, कोई भी XYZ, तो ये प्रोग्राम कैपेबल हो इसको इससे कॉपी करने में। अगर हम फाइल कॉपी प्रोग्राम के बारे में बात, यहाँ पर ये सोर्स फाइल नेम है, यहाँ पर ये टारगेट फाइल नेम। तो जो पहला इम्प्रूवमेंट है उसमें हम कर क्या रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि बार बार हम उसको कंपाइल क्यों करें, एक बार रन करके, एक बार ये एक्सी करके क्यों ना चलाएं उसको। और दूसरे इसमें अगर मैं दूसरा इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करूं, तो जो मेन है वो भी एक तो फंक्शन है, विद एक टाइप का फंक्शन है, तो उसमें हम सोर्स फाइल नेम और टारगेट फाइल नेम पास कर देंगे। उसको मैं इस तरीके से दिखाता हूं कि यहां पर stdio.h आपने इंक्लूड की, argc argv दिया, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि हमारे पास दो फाइल पॉइंटर हमने बनाए, यहां कैरेक्टर दिया और हमने कहा आर्ग्यूमेंट 3 है कि नहीं। अगर आर्ग्यूमेंट 3 नहीं है तो हम बताएंगे कि यूजर को ये कमांड प्रॉम्प्ट पे चल रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले गए। अब तीन आर्ग्यूमेंट अगर आपके नहीं है तो आप बोलेंगे कि बाहर आ जाएंगे एग्जिट करके। अब अगर सब कुछ सही है, तीन आर्गुमेंट दिए हैं यूजर ने, तो पहला वाला argv1 ये जो है ये कैरेक्टर पॉइंटर है, इसमें तीन चीजें आएंगी अभी फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम के लिए। पहला आपका फाइल का नाम आएगा, जो प्रोग्राम का नाम है जिसे आप इसको एग्जीक्यूट कराना है। दूसरा आपका आएगा जो .c फाइल है जिसके कंटेंट कॉपी करने हैं, और ये तीसरा आएगा वो ऐसा फाइल नेम आएगा जिसमें कॉपी कर। तो इसको पहले वाले को ओपन करने की कोशिश करेंगे, रीड मोड में अगर नल है तो बाहर आ जाएंगे। दूसरा देखिए ये 1 है क्योंकि argv0 में क्या गया, argv0 में फाइल का नाम, तो argv1 में आप यहाँ पर पहला फाइल लेंगे, argv2 में दूसरा फाइल लेंगे, और यहाँ पर इसको राइट में ओपन करने की कोशिश करेंगे। दोनों केस में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बता के बाहर निकल आए। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक एक करके आप एक एक कॉन्टेंट उठा रहे हैं पहले फाइल से, सोर्स फाइल से, एंड ऑफ फाइल तक पहुंचेंगे, और एंड ऑफ फाइल से पहुंचने से पहले एक एक उठा के आप कॉपी करते रहेंगे, एफ4c करते रहेंगे। अब जो मेन है, जैसे मैंने कहा कि ये आपका फंक्शन है, उसके अंदर हम कमेंट पास कर सकते हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? क्योंकि आर्ग्यूमेंट, इसलिए हम इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं। तो फंक्शन है मेन, इसमें दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ट्रेडिशनली इसका नाम दिया हुआ है argc argv। ध्यान रखिएगा argc की जगह आप अपना नाम, argv की जगह आप अपने दोस्त का नाम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये कि फिक्स नहीं कि argc और argv ही लिखना है। अब argv क्या है, ये अरे ऑफ पॉइंटर ऑफ स्ट्रिंग है, यानी कि जो आप तीन स्ट्रिंग देने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, या चार देने वाले, जितने भी स्ट्रिंग देने वाले हैं, वो इसमें जाके एक एक करके स्ट्रिंग की तरह स्टोर हो। ऐसी argc जो है वो इंटीजर है, ये बताएगा कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए, क्योंकि यही बताएगा, जैसे आपने तीन, ये तीन आता है तो यहाँ पर आपको तीन देने पड़े। जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इस एरे ऑफ पॉइंटर ऑफ स्ट्रिंग्स में है वो आपको argc से पता चलेगा। तो जब ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो स्ट्रिंग होगी जो कमांड में, वो मेन की तरफ चली जाएगी argv के तहत। या ये कहे कि जो स्ट्रिंग है कमांड लाइन में वो स्टोर होगी मेमोरी एड्रेस, और जो एड्रेस होगा पहले स्ट्रिंग का वो होगा argv0 जैसे फाइल का नाम, फिर argv1 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। जो आर्ग्यूमेंट है argc ये काउंट है, जितनी स्ट्रिंग्स कमांड लाइन में देनी है। जैसे आप अगर हम अपना कोई प्रोग्राम देखें फाइल कॉपी का, तो उसमें क्या करेंगे, ये फाइल का नाम, ये आपकी पहली फाइल है ये वाली, और ये दूसरी फाइल, तो argc कहेगा 3, argv0 है वो फाइल का नाम जो ये एक्सी बनाई है आप, ये होगा पहला फाइल जिसे कंटेंट कॉपी करने हैं, इसका बेस एड्रेस होगा argv1 के पास। इसी तरीके से ये pr2.c है, इसका बेस एड्रेस होगा argv2 के पास। जब हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे मेन में, तो ध्यान रखिएगा कि जितने आर्ग्यूमेंट है उसको चेक करना बनता है। क्यों? क्योंकि वो जो आर्ग्यूमेंट है अगर यूजर उतने नहीं देता है तो आप एरर उसको दिखा सकते हो। अगर हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, एक चीज चेक की, यदि आर्गुमेंट काउंट 3 नहीं तो आप कहेंगे इम्प्रॉपर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और एग्जिट कर जाएंगे। जो बाकी प्रोग्राम है वो तो वैसे ही चलेगा, यानी कि फायदा ये हुआ इसको हमें दोबारा रिविजिट करने का कि रिकम्पाइल नहीं करना है बार बार। आप ये जो प्रोग्राम है उसको डायरेक्ट आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे चला सकते हैं, और जो सोर्स फाइल नेम है, टारगेट फाइल नेम है, वो हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं, और वो कोई भी हो सकता है, हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोग्राम के अंदर देंगे ना तो हमारे पास एक फाइल होगी जिसकी कॉपी, जिससे कॉपी करना है, एक फाइल होगी जिसमें कॉपी करना, केवल ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, ऐसा हम यहाँ नहीं करेंगे। और एक और चीज कि जो व्हाइल लूप हम यहाँ लगाते हैं, अगर हम फाइल कॉपी प्रोग्राम को याद हो, नहीं भी याद हो कोई बात नहीं, यहीं पे हम सीख लेंगे इसको, तो ये बड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। हमने कैरेक्टर लिया fgetcfs से,
और एंड ऑफ फाइल पे पहुंचे, पुट सी कर दिया कैरेक्टर को फाइल टारगेट। तो क्या होता है कि जो हम वाइल वन वाला जो इंडेफिनेट लूप लगाते हैं, साथ में उसके अंदर हम ब्रेक कर रहे थे कि इंडेफिनेट लूप लगाएंगे, जहां एंड ऑफ फाइल मिलेगा वहां हम ब्रेक करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जो एफ गेट सी एफ एस है, ये कैरेक्टर लेगा एक एक उठा के फाइल से और वो असाइन करेगा सी एच में, फिर इसी सी एच को उठा के हम सी एच में चेक कराएंगे, उठा के एंड ऑफ फाइल के सापेक्ष में या रिस्पेक्ट में, और अगर जब तक ये नहीं मिलता है तब तक हम एक एक उठा के पुटसी करते रहेंगे फाइल टारगेट। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है ध्यान रखिएगा, इसको हम पैरेंथेसिस में दे रहे हैं, इसको बाहर खोल के नहीं रख सकते, अदरवाइज कुछ और हो जाए, क्योंकि पहला जो कैरेक्टर है वो हम असाइन करना चाहते हैं सी एच को, फिर उसको कंपेयर करना चाहते हैं ईएफ से, नॉट इक्वल टू ईएफ। एक और तरीका हो सकता है इसमें, अगर आप वाइल से ही करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ब्रेक और साथ में ये इंडेफिनेट लूप ना चलाऊं, तो उसके लिए आप वाइल करेंगे नॉट फाइल एंड ऑफ ईएफ, ये है फाइल एंड ऑफ फाइल और ये आपका फाइल पॉइंटर। तो गेट सी करेंगे एफ गेट एक करके सी एच और ये सी एच को एफ टी में डालने लगेंगे। तो जो एफ एफ है वो मैक्रो है जो आपको क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, ये मैक्रो है ध्यान रखिएगा, ये जीरो या वन रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। पहले जीरो की बात कर लेते हैं, यदि आपका फाइल नहीं आप एंड ऑफ फाइल पे ले गए या नहीं पहुंचे, तो नॉट के क्या करते हैं, जैसे जीरो रिटर्न करेगा तो नॉट लगाएंगे तभी तो वन आएगा, ट्रूथ वैल्यू तभी आएगी, इसे नॉट लगाया। जब एंड ऑफ फाइल हम एफ ईओ रिटर्न करेगा एक नॉन जीरो, इसका मतलब ये है कि नॉट उसको जीरो बना देगी और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से आप बाहर आ जाए। ये जितने भी मेथड बताए जो ओपन करने के हैं, वो आप सिंपली क्योंकि ये बेस एड्रेस है स्ट्रिंग का, तो आपके पास स्ट्रिंग आ ही रही है, तो चाहे आप फाइल का नाम करके रीड ओपन ओपन करें, फाइल नेम दे के रीड ओपन करें, या फिर ARG1 क्योंकि ये भी यही तो है, स्ट्रिंग ही तो है, आप ओपन कर सकते। डिटेक्टिंग एरर्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, ध्यान रखिएगा कि जब रीड और राइट कर रहे हैं तो इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, कुछ चीजें आ सकती हैं। हर बार रीड और राइट ऑपरेशन आपने देखा होगा कि हमने हर बार इसको चेक किया है, लेकिन हर बार ये सक्सेसफुल हो इसकी कोई गारंटी नहीं। कई ऐसी चीज होगी जहां पर हम ये अटेम्प्ट करेंगे कि रीड और राइट सक्सेसफुल है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आपका FERROR यानी एफ एरर, ये आपको बताएगा, ये रिपोर्ट करेगा कोई एरर जो रीड राइट ऑपरेशन में हुए हैं, अगर फाइल को ओपन कर रहे हैं। ये जीरो रिटर्न करेगा यदि रीड राइट आपका सक्सेसफुल होता है, और नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा अगर कोई फेलियर हो। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एफ एरर को यूज करेंगे। अब देखिएगा इसमें हैश इंक्लूड stdio.h है, एक हमने फाइल पॉइंटर बनाया, ये आपका सी एच है, कैरेक्टर लिया, फाइल को ओपन करने की कोशिश की और यहाँ पर हमने कहा राइट मोड में, और आपने कहा एफ ई एफ नॉट एफ ई एफ एफ पी, तो आपने क्या किया, एक एक फाइल पॉइंटर से कैरेक्टर लिया, और अगर एफ एरर होता है तो आप बोलेंगे साहब एरर है रीडिंग, और बाहर निकलेंगे ब्रेकर, या फिर अगर ये नहीं होता है तब आप प्रिंट करेंगे। तो आपने एफ एरर से क्या चेक कराया, जो भी हमने डिस्कशन किया, और उसके बाद एफ पी करके बाहर निकला। तो इस प्रोग्राम में जो एफ गेट सी फंक्शन है वो तो पहली बार फेल हो जाएगा, क्योंकि इस फाइल को तो आपने राइट के लिए ओपन किया है, जब राइट ओपन किया है तो उसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और साथ में एफ गेट सी अटेम्प्ट कर रहा है रीड करने के लिए, तो जैसे ही एरर आएगा वो आपको नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा और जो ये ब्लॉक है वो चलेगा। तो एरर मैसेज को प्रिंट करने के बजाय हम प्रिंट एफ यूज करेंगे, और उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये इसको प्रिंट एफ यूज करने की जगह हम पी एरर यूज करेंगे। वो क्या करेगा, वो एरर मैसेज जो कंपाइलर स्पेसिफाइड हो वो आपको दिखाएगा, यानी कि जो पी एरर है ये वाला पी एरर, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इफ एफ एरर पी एरर ट्रायल और ब्रेकर, अब अगर एरर मैसेज आता है तो आपको देखिए प्रॉपर तरीके से एरर मैसेज मिलेगा जैसे दिखना चाहिए। कैसे मिला, ट्रायल यहाँ पर परमिशन नहीं, यानी कि जो भी सिस्टम एरर मैसेज है उसको हम अपनी चॉइस के एरर मैसेज से सुपरसीड या प्रीसीड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हम रीड और राइट करने के लिए जब फाइल ओपन करते हैं तो फाइल ओपन यूज करते हैं, ये क्या करता है कि फाइल पॉइंटर को सेट कर देता है फाइल के स्टार्टिंग। अब मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपको प्री डिफाइंड पॉइंटर देते हैं तीन स्टैंडर्ड फाइल्स के, तो अगर हमको एक्सेस करना है तीन पॉइंटर को तो हम जरूरी नहीं है कि एफ ओपन यूज करें। जो स्टैंडर्ड पॉइंटर जो मैं कह रहा हूँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं वो है आपका स्टैंडर्ड इनपुट stdin, ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के लिए है जिसे हम कीबोर्ड मानते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट यूटी कह सकते हैं इसको, ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के लिए है VDU के लिए। ऐसे stderr स्टैंडर्ड एरर है, ये स्टैंडर्ड एरर डिवाइस है VDU के लिए। जो स्टेटमेंट मान लीजिए अगर आप यहाँ एफगेट सी करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट से stdin दिया आपने और CH में लेना चाहते, तो ये कीबोर्ड से लेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, राइट, फाइल से नहीं लेगा, ये कीबोर्ड से लेगा। अब इसमें आपको एफ ओपन और एफ क्लोज की आवश्यकता नहीं पड़ी। ध्यान रखिएगा कि अगर जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है और भी आपको उसमें फाइल पॉइंटर मिलते हैं जैसे stdprn और stdaux, ये किसके लिए होते हैं, ये है स्टैंडर्ड प्रिंटिंग डिवाइस और ये है स्टैंडर्ड ऑक्सिलरी डिवाइस यानी कि सीरियल। ये आपको स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर अगर आप देखना चाहें तो एक काम करते हैं कि किस तरीके से रीड करेंगे फाइल को डिस्क से और प्रिंट करेंगे प्रिंटर पे। तो ये प्रोग्राम है, ये फाइल कंटेंट को प्रिंट करना चाहते हैं हम प्रिंटर पे, तो stdio.h यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल पॉइंटर लिया, एक कैरेक्टर लिया और ये txt फाइल को खोला, रीड ओपन। यदि जो फाइल पॉइंटर है नल है तो हम कह देंगे कि ये ओपन नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, ch
कर सी एच में एफ गेट सी लेकर एफ पी में एक एक करके हमने एफ गेट सी से एफ पी से एक कॉन्टेंट लिया सी एच में डाला उसको चेक कराया एंड ऑफ फाइल से अगर वो एंड ऑफ फाइल है तो बाहर आ जाएंगे नहीं तो इसी कैरेक्टर को हम स्टैंडर्ड प्रिंटर पे दे देंगे ओके क्लोज स्टैंडर्ड आपने लिया पी आर एन तो जो स्टेटमेंट एफ पुट सी है जैसे सी एच आप एस टी डी पी आर एन में डाल रहे हैं वो क्या करेगा वो रीड करेगा और उसके बाद प्रिंटर को दे देगा ओके ध्यान रखिएगा कि अगर हम ओपन करें फाइल को डिस्क में तो हम एस टी डी पी आर एन यानी कि प्रिंटर ओपन नहीं कर रहे जो स्टैंडर्ड फाइल्स है और उसकी जो रिडायरेक्शन है वो बहुत आसानी से हम डील कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताऊं जो स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर्स है वो आपको स्टैंडर्ड एस डी डी आई ओ डॉट एच में मिलेगी तो इसलिए जरूरी है कि हम इस फाइल को इंक्लूड करें अपने प्रोग्राम में ताकि हम इन स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर्स को यूज कर सके जो मैंने अभी आपको बताया इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन की बात जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोस्टली इसमें जो पॉज फीचर एक होता है जिसे पावरफुल फीचर अगर मैं कहूँ एक तो आप रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं फाइल्स को अगर आपने प्रोग्राम में नहीं भी दिया हो तब भी तो होता कैसे है ये होता है रीडायरेक्शन से कैसे होता है रीडायरेक्शन सी या तो आप कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तो आउटपुट जो है नॉर्मली वो वीडियो आके आपके डिस्प्ले यूनिट पे दिखाई देता है यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनपुट कहाँ से आना है और आउटपुट किधर को जाना है ये ऑलरेडी उसका असम्पशन रहता है कि कीबोर्ड से आ रहा होगा और आपके डिस्प्ले पे जा रहा होगा अब रीडायरेक्शन जो चीज है ये हमें इस चीज को परमिट करती है अलाउ करती है असम्पशंस जो ओएस के है उनको चेंज कर जैसे अगर रीडायरेक्शन हम यूज कर तो जो आउटपुट है प्रोग्राम का जो नॉर्मली कहाँ जाता है के वीडियो को राइट या उसको हम कहाँ भेज सकते हैं उसको हम डिस्क पे भेज उसको हम प्रिंटर पे भेज सकते जरूरी नहीं है कि आपने ये प्रोविजन दिए हो प्रोग्राम ये ज्यादा कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल अप्रोच हो गई आप है ना ये काम करने की और फंक्शनैलिटी भी मिल गई आपको इसी तरीके से अगर आप डिस्क से इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम आप नहीं चाहते कि वो कीबोर्ड से ले ये भी पॉसिबिलिटी है तो इस रीडायरेक्शन फैसिलिटी का अगर हमको यूज करना है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट और इसमें हम कुछ इनडायरेक्शन सिंबल यूज करेंगे अब जिस जगह पे उसकी आवश्यकता है तो एक प्रोग्राम देखते हैं इससे आप इसको ज्यादा बेहतर समझेंगे कैसे रीडायरेक्ट करेंगे हम आउटपुट को हम करना चाहते हैं रीडायरेक्ट आउटपुट प्रोग्राम का स्क्रीन से लेकर फाइल तक ओके देखिएगा हमने ये फाइल बनाई मान लीजिए इसका नाम है util.c अब यहाँ पर हमने कहा stdio.h बहुत ध्यान से देखते रहिए कुछ आपने यहाँ पर भी किया हुआ है यहाँ पर हमने कैरेक्टर cah दिया जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से आ रहा है उसका कैरेक्टर एक एक लेते रहिए उस कैरेक्टर को लेके एंड ऑफ फाइल से चेक कराते रहिए अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड आउटपुट पे डालते रहिए अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्योंकि util.c थी util.exe बन जाएगी राइट तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस फाइल तो जो पुटसी फंक्शन है जो भी आप स्क्रीन पे टाइप कर रहे हैं जब तक हम कंट्रोल जेड टाइप ना तक तो प्रोग्राम टर्मिनेट ना तो वो आपका रन करेगा जो कंट्रोल सेट कैरेक्टर है एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जैसे आपने util.txt की अब आप टाइप करते रहे टाइप करते रहे टाइप करते रहे उसके आपने कंट्रोल सेट कीबोर्ड में अगर आप कंट्रोल ये जो साइन देख रहे हैं अगर ये जानना चाहे तो ये इस तरीके का साइन है ये वाला ये 6 के ऊपर मिलेगा आपको शिफ्ट दबा के करेंगे तो आ जाए अब जरा इसको थोड़ा आगे बढ़ा क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को इन्वोक करें किसी और तरीके से रीडायरेक्शन अब देखिए सी किया util.txt आगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा के हमने poem.txt या कोई भी ना हो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी इसका आउटपुट आए उसको हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं इस फाइल में जो कि txt फाइल क्या ये प्रूव कर सकते हैं हम कैसे इसमें आ गई या आई के नहीं अब एक काम करिए बस टाइप कमांड यूज करिए और ये poem.txt जो अभी अभी आपने नई फाइल जिसमें इसका कंटेंट डालने की कोशिश की है अगर इसको आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे वही ये है आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर आपने कहीं की चीज कहीं उठा के ले गए अब ये जो चीज है ऑपरेटर इसने क्या किया जो स्क्रीन पे जाना उसको ये फाइल पे लिख जिसके बाद जिस ऑपरेटर के बाद जो फाइल का नाम था वहां लिख अब ये ध्यान रखिएगा कि जो डेटा आपको रीडायरेक्ट करना है फाइल वो ऐसी जरूरी नहीं है कि कीबोर्ड से आप टाइप करें प्रोग्राम अपने आप जनरेट कर देगा जो स्क्रीन पे जाता है वो अपने आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं आप डिस्क फाइल अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं हम ये जो प्रोग्राम है ये जनरेट करता है ASCII टेबल स्क्रीन जिसे फाइल का नाम है ASCII.c हमने कैरेक्टर लिया और 0 से लेकर 255 तक हर एक बार बढ़ाते रहे और साथ में इसका परसेंट भी और परसेंट से दिखाते रहे यानी कि एक बार कैरेक्टर आएगा मतलब एक बार कैरेक्टर नंबर आएगा और उसके हिसाब का सिंबल आएगा जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट और यहां पर हम इसको रीडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे तो आउटपुट जो होगा वो इस फाइल में लिख दिया राइट तो आप इसको यहां तक ले जा सकते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार आप स्क्रीन पे दिखा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहले ही प्रीडिफाइन कर देता है जो आप फाइल्स आप यूज करते हैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ जैसे पीआरएन फाइल पीआरएन का मतलब ये है कि प्रिंटर पीआरएन प्रिंटर के लिए तो आउटपुट आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर में केवल फाइल नेम यूज करके जैसे अगर आप इन्वोक करें ASCII.exe इस तरीके से
ASCII.exe किया और यहाँ पर इंडायरेक्शन ऑपरेटर करके आपने PRN, अब PRN ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि प्रिंटिंग के लिए है, तो ASCII टेबल उठ के प्रिंटर पे चला जाएगा और प्रिंट। अब रिडायरेक्ट करेंगे हम इनपुट, आउटपुट रिडायरेक्ट करने के लिए हमने एक ऑपरेटर दिखा था, ये वाला लेस देन साइन, इस तरीके से लेस देन साइन। अब हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं इनपुट को प्रोग्राम, हम कीबोर्ड से ले रहे थे इनपुट, अब प्रोग्राम रीड करे फाइल्स कैसे करेंगे। अगर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं इनपुट को तो एक फाइल होनी चाहिए जिसमें कुछ कंटेंट हो जिसे हम रीड कर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं और एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, हमारे पास न्यू पोएम डॉट टीएक्सटी मान लीजिए, इसमें ये कुछ लाइनें लिखी हुई ऑलरेडी। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करे तो ये इसके अंदर लिखा हो। अब हमने रीडायरेक्शन जब आउटपुट के लिए किया था तो ये किया, अभी अगर हमें रीडायरेक्शन इनपुट के लिए करना है तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करें, ये वाला। हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला आपका न्यू पोएम डॉट टीएक्सटी जिसके अंदर एक कंटेंट लिखा था, इसके बाद हम इसको यूटिल डॉट टीएक्सटी जो हमारी फाइल थी जो हमने सी फाइल बनाई, और ये जब हम ये करेंगे तो आप देखेंगे लाइन ये प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे, आपको कोई चीज नहीं। हमने रीडायरेक्शन से क्या, जो प्रोग्राम था हमारा यूटिल डॉट सी वो अब टाइप कमांड की तरह काम कर, मतलब अगर हम टाइप इसको लिखते हैं, टाइप केवल ये चीज लिखते हैं तो ये चीज आती, लेकिन अगर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं या रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज, तो यहाँ से यहाँ पर गया आपको तो टाइप की तरह काम कर। अब आप इस तरीके से इनपुट और आउटपुट रीडायरेक्शन करना चाहते हैं, रीडायरेक्शन इनपुट और आउटपुट का उसको हम एक साथ कर, यानी कि जो इनपुट आएगा प्रोग्राम का वो फाइल से आएगा रीडायरेक्शन को यूज करके, उसी समय जो आउटपुट होगा उसको हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी फाइल। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं फिल्टर। ये कमांड देखिए किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर सी है यूटिल है, देखिए ये वाला ये क्या करेगा, न्यू पोएम डॉट टीएक्सटी से ये प्रोग्राम देगा और उसको भेज देगा पोएट्री डॉट टीएक्सटी। हुआ क्या, ये प्रोग्राम रिसीव कर रहा है रिडायरेक्टेड इनपुट न्यू पोएम डॉट टीएक्सटी, और ना कि ये आपके आउटपुट पे देगा बल्कि ये पोएट्री डॉट टीएक्सटी में जाके डाल। इसी तरीके से अगर आपको कंटेंट सेंड करना है इस फाइल प्रिंटर के, तो आप क्या करेंगे, पीआरएन आपके प्रिंटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अगर आप विंडोज वाले हैं तो पीआरएन उसके लिए बनती है। देखिए न्यू पोर्ट से लीजिए यूटिल में और यूटिल से डाल दीजिए पीआर, ये वाला। तो अगर आप यूज कर रहे हैं मल्टीपल रिडायरेक्शन, ध्यान रखिएगा जो आउटपुट है उसको उसी फाइल में मत भेज जिसे आपने इनपुट लिया, क्योंकि जो आउटपुट फाइल है वो इससे पहले कि उसमें लिखा जाए वो इरेज, जब आप रिसीव करना चाहेंगे इनपुट वो ऑलरेडी इरेज, इसीलिए ये चीज को ध्यान रखें। अगर आप कोई यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे डेटा को ऑल्टर करना, एग्जामिन करना किसी फाइल, इसके लिए यूज करना चाहते हैं तो रिडायरेक्शन एक बहुत बहुत पावरफुल, तो रिडायरेक्शन हम यूज करते हैं ताकि प्रोग्राम और फाइल के बीच में एक पक्का रिलेशनशिप बना सके। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटर हमारे पास होता है, अगर दो प्रोग्राम को डायरेक्टली रिलेट करना है, यानी कि एक प्रोग्राम का आउटपुट दूसरे को फीड किया जा दिया जा जिसमें कोई फाइल ही इन्वॉल्व ना, इसको हम कहते हैं पाइपिंग, और उसके लिए ऑपरेटर होता है ये पाइप ऑपरेटर। समराइज करते हैं हमने क्या देखा, हम पास कर सकते हैं पैरामीटर को टू अ प्रोग्राम, कमांड लाइन कॉन्सेप्ट इसका होता है कमांड लाइन, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ARGV और ARGC। ARGV बेसिकली एक पॉइंटर टू स्ट्रिंग्स है और इसमें जो भी आप वैल्यू पास करेंगे प्रोग्राम वो जाता है। ARGC बताता है कितने आर्ग्यूमेंट आपको कमांड लाइन में डालने। हम स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर STDIN ये हम यूज कर सकते हैं ताकि हम इनपुट ले सके, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। हम स्टैंडर्ड फाइल पॉइंटर STDOUT यूज कर सकते हैं ताकि हम सेंड कर सके, भेज सके आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर है। ऐसी इसी तरीके से स्टैंडर्ड पॉइंटर्स हमारे पास होते हैं STDPRN AUX, ये है आपका स्टैंडर्ड प्रिंटर के लिए, ये ऑक्सिलरी ताकि हम प्रिंटर और ऑक्सिलरी डिवाइसेस से इंटरेक्ट कर। रीडायरेक्शन हम अलाउ करता है प्रोग्राम को खास ताकि हम रीड और राइट कर कमांड प्रॉम्प्ट, ये ऑपरेटर ये वाला और ये आपका रीडायरेक्शन ऑपरेटर कहलाता है। ये बात थी इस चैप्टर की, थोड़ा और इनपुट आउटपुट के इश्यूज देखे हम। बहुत शुक्रिया।